हाँ मैं एक इंडियन क्रिकेट फैन हूँ। हाँ मुझे टीम की हार पे गुस्सा आता है। हाँ टीम के हारने पे मेरी आंखों में आंसू होते हैं। हाँ तब मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं करता है। हाँ मेरे लिए जिंदगी का दूसरा नाम ही क्रिकेट है। हाँ पूरे दिन ऑफिस में बॉस की गाली खाने के बाद भी इसलिए खुश रहता हूँ कि घर जाके मैं अपने फेवरेट खिलाड़ियों को खेलते हुए देखूंगा। पर उसके बाद मेरा फेवरेट खिलाड़ी आउट हो जाए तो दुखी मन से मैं लाइट बंद करके उसी फेवरेट खिलाड़ी को गाली देता हुआ सो जाता हूँ। दुनिया मेरा ये रिश्ता नहीं समझ पाती कि मैं उससे प्यार करता हूँ, इसीलिए कभी कभी गुस्से में उसे गाली भी दे देता हूँ। पता नहीं ये कितना सही है कितना गलत, पर क्या करूं, मैं एक इंडियन क्रिकेट फैन हूं। हाँ मैं कोहली के आउट ऑफ फॉर्म होने पे प्रार्थनाएं करने लगता हूं, मैं गुहारे लगाने लगता हूं कि भगवान प्लीज बस एक सेंचुरी पड़वा दे। दुनिया भले ही कहती रहे कि उसका टाइम खत्म, फिर भी मैं उस पे भरोसा करता रहता हूँ। सच बता रहा हूँ, किसी भी और देश में 50 दिन भी प्लेयर से रन ना पड़े तो बड़े से बड़े प्लेयर को रिटायर होने को कह दिया जाता है, और यहाँ आंख बंद करके भरोसा करते हुए मेरा कोहली लौटेगा, मैं ये कहता रहता हूँ। मैं 50 दिन क्या, 989 दिन तक पूरे भरोसे के साथ उसकी 71वीं सेंचुरी का वेट करता हूँ। हाँ मैं एक इंडियन क्रिकेट फैन हूँ। जिस धोनी को मैंने अपना आइडल माना था, जिस धोनी ने मेरे देश को हर मुकाम दिलाया था, जिस धोनी ने मुझे भरोसा दिलाया था कि अब इंडिया किसी से नहीं डरती बल्कि दुनिया इंडिया से डरती है, स्थिति कैसी भी हो, जिस धोनी के रहते मैं कभी भी हार नहीं मान सकता था। जिस धोनी के रहते मुझे 2019 वर्ल्ड कप में ये विश्वास था कि धोनी है ना तो निकाल ले जाएगा। उसी धोनी को मैं एक पल के अंदर रनआउट होते हुए आंखों में आंसू लिए वापस पवेलियन आते हुए देखता हूँ। 1 साल बाद धोनी इंस्टा पे आके पोस्ट करते हैं कि वो मैच उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच था। ये बात मुझसे सही तो नहीं जाती है, पर इतना बेबस हूं कि उसे वापस आने को कह भी नहीं पाता हूं। मैं आज भी उस रनआउट का दर्द अंदर ही अंदर सहता रहता हूं। मैं आज भी यही कहता हूं कि कुछ भी होता, बस धोनी उस दिन रनआउट ना होता। सच बता रहा हूं कि इस दर्द के साथ जीना आसान नहीं होता। धोनी के रनआउट पे कोहली और रोहित का वो मायूस चेहरा भूलना भी आसान नहीं होता, पर बीतते दिन के साथ हर बुरी याद को पीछे छोड़ जाता हूँ। हाँ मैं एक इंडियन क्रिकेट फैन हूँ। 2021 T20 वर्ल्ड कप से पहले कोहली का स्टेटमेंट आता है कि मैं इस वर्ल्ड कप में आखिरी बार T20 में इंडिया का कैप्टन हूंगा। सुन के दिल टूट जाता है, पर ये सोच के दिल को तसल्ली दे जाता हूं कि कोहली अगर इस बार देश को वर्ल्ड कप जिता ले गए तो क्या मस्त एग्जिट होगा कोहली का कैप्टेंसी से। लेकिन उसी वर्ल्ड कप में भारत ग्रुप स्टेज में ही बहुत बुरी हार को देख बाहर हो जाता है। कोहली मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन मेरा दिल जान रहा होता है कि कोहली टूट गए हैं। कोहली ने इतना कुछ इस देश के लिए किया, पर फिर भी उन्हें उनकी कैप्टेंसी में एक ICC ट्रॉफी तक नहीं मिल पाई जो कि वो डिजर्व करते थे। इस दर्द के साथ मैं हर रोज जीता हूं। हाँ मैं एक इंडियन क्रिकेट फैन हूँ। कोहली की कप्तानी रोहित के पास जाती है, मुझे रोहित के लिए खुशी भी होती है और कोहली के लिए दुख भी होता है। मैं कोहली को कैप्टन बने रहते भी देखना चाहता हूँ, और मैं ये भी नहीं चाहता कि रोहित के जाने के बाद मैं इस दुख में रहूं कि रोहित को भारतीय टीम की कैप्टेंसी करते हुए देख ही नहीं पाया। मैं इमोशंस के इस जंजाल में अक्सर फंसा रहता हूँ। हाँ मैं एक इंडियन क्रिकेट फैन हूँ। मैं हारिस रॉफ की बॉल पे कोहली के छक्के को देख इतना पागल हो जाता हूं कि बार बार रिपीट में उसकी हाईलाइट देखता रहता हूं। मुझे भारत की पाकिस्तान पे मिली जीत से तो खुशी होती ही है, लेकिन उससे ज्यादा मैं रोहित को कोहली को गोद में उठाता देख खुश हो जाता हूँ। मैं उस पिक को अपना वॉलपेपर, अपना स्क्रीन सेवर सब बना लेता हूँ। मैं उम्मीद लगा के बैठ जाता हूँ कि इस बार भारत वर्ल्ड कप जीत के रहेगा, लेकिन फिर भी सेमीफाइनल में जाके बुरे तरीके से मेरी उम्मीदें हर बार की तरह टूट जाती हैं। मैं कोहली को निराशा में टोपी से चेहरा छुपाते हुए भी देखता हूँ।
मैं रोहित को कोने में जाके आंसू बहाते हुए भी देखता हूँ। मैं मन ही मन रोहित को दो बातें भी सुना रहा होता हूँ और सेम टाइम पे उसे रोता हुआ देख आंसू भी बहा रहा होता हूँ, क्योंकि हाँ मैं एक इंडियन क्रिकेट फैन हूँ। जब जब भारत हारता है तो मैं ही हूँ जो धोनी को याद करने लगता हूँ, सोशल मीडिया पे मिस यू धोनी का ट्रेंड चलाने लगता हूँ, लेकिन मैं ही हूँ जो इस बात को झट से पचा भी लेता हूँ कि धोनी वापस नहीं आएगा। मैं ही हूँ जो इंडियन टीम को गरियाना भी चाहता हूँ और मैं ही हूँ जो हमें अब भी भरोसा है ये कहना भी चाहता हूँ। मैं ही हूँ जो युवाओं को मौका देना चाहिए ऐसा कहता हूँ, लेकिन मैं रोहित शर्मा को जाते हुए देखना भी नहीं चाहता हूँ। हाँ सच में मैं एक इंडियन क्रिकेट फैन हूँ। कल को रोहित शर्मा के जाने के बाद मैं ही हूंगा जो किसी बैट्समैन के आउट होने पे कह रहा हूंगा कि इससे अच्छा तो रोहित ही था। मैं ही हूंगा जो इस अफसोस में रहूंगा कि मैंने रोहित की कप्तानी को बड़े जल्दी जज कर लिया, और मैं ही हूं जो आज उसे कप्तानी से हटाने की मांग भी कर रहा हूं। मैं अक्सर क्या सही क्या गलत इस मजदार का हिस्सा बना रहता हूं। हाँ मैं एक इंडियन क्रिकेट फैन हूँ, पर मैं ही आज एक बात कहता हूँ कि शायद कल को फिर से मैं टीम के हारने पे गुस्सा करूंगा, कल को फिर से मैं भारत की जीत पे कॉलोनी में हजारों के पटाखे फोड़ूंगा, कल को फिर से मैं रोहित को गरियाऊंगा और रोहित कोहली मेरे क्रिकेट देखने की वजह है इस बात को ट्विटर पे हमेशा ट्रेंड कराऊंगा, और याद आई उसकी तो फिर से धोनी को लाओ की मुहिमें भी चलाऊंगा। लेकिन एक बात दुनिया याद रखे, मेरी टीम हारे या मेरी टीम जीते, मेरी टीम वर्ल्ड कप लाए या मेरी टीम वर्ल्ड कप ना लाए, मैं फैन इंडियन टीम का हूं, वर्ल्ड कप लाने वाली इंडियन टीम का नहीं। और मैं फक्र से कहता हूं कि मैं सिर्फ इंडियन क्रिकेट फैन नहीं हूं बल्कि एक प्राउड इंडियन क्रिकेट फैन हूं। और दुनिया याद रखे कि एक इंडियन क्रिकेट फैन बनना आम नहीं होता, एक इंडियन क्रिकेट फैन बनना आम नहीं होता, कभी रह के देखिए हमारी जगह भाई साहब, एक इंडियन क्रिकेट फैन होना भी आसान नहीं होता। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपका एक इंडियन क्रिकेट फैन होने के पीछे क्या अनुभव है, जो भी आपका अनुभव है, जो भी आपने महसूस किया है, जो भी आपने फेस किया है, जो भी आपने सहा है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, चाहे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आज इस वीडियो को अपने सारे क्रिकेट फैंस को, जो भी आपके जानने वाले हैं, जो भी आपके परिवार में है, जो भी आपके दोस्त हैं, उन्हें एक बार शेयर जरूर करिएगा। अपने फेसबुक से लेके, अपने ट्विटर से लेके, अपने इंस्टा से लेके, जहां पे भी आप एक्टिव हैं, वहां पे आज इस वीडियो को जैसा मैंने कहा बस शेयर जरूर करिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।